हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाली हूँ दोस्तों, डिजिटल राशन कार्ड KYC वाला अब सभी का डाउनलोड होना शुरू हो गया है। दोस्तों अब बहुत ही आसान हो गया है डिजिटल राशन कार्ड को डाउनलोड करना अपने मोबाइल में। अब दोस्तों कैसे डाउनलोड करना है मैं आपको इस वीडियो में पूरा स्टेप बाय स्टेप बताने वाली हूँ, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़रूर फॉलो कीजिए और देखिए। दोस्तों इसमें मैं आप लोग को एक और भी अपडेट बताने वाली हूँ। डिजिटल राशन कार्ड में एक अपडेट आई है जो कि मैं आप लोग को इस वीडियो में पूरा लाइव करके आप लोग को मैं दिखाऊँगी, तो प्लीज़ मेरे वीडियो में बने रहिए। इसके लिए सबसे पहले आपको अपना किसी एक गूगल ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। सर्च बॉक्स में SSUP लिख कर आप लोग को दोस्तों सिंपली सर्च बॉक्स पे क्लिक कर देना है। आपके सामने यहाँ पे फर्स्ट वाले जो लिंक देखने को मिल रहे हैं माय आधार का, सिंपली दोस्तों आपको इस लिंक के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना, ऊपर वाले लिंक के ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। अब जैसे आप लोगों ने इस पर क्लिक किया, हमारे सामने एक नया इंटरफेस देखने को मिल जाती है। अब दोस्तों आपको सबसे पहले तो यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करना है, और जैसे दोस्तों आप लोग स्क्रॉल डाउन करते हैं यहाँ पे आपको देखने को दोस्तों मिल जाएंगे चेक आधार वैलिडिटी का ऑप्शन। तो मैं यहाँ पर आपको दिखा देती हूँ, यहाँ पर आपको साफ साफ देखने को मिल रहा है चेक आधार वैलिडिटी का ऑप्शन। सिंपली आपको चेक आधार वैलिडिटी के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, ठीक है। तो जैसे आपने इसके ऊपर क्लिक किया, अब आपको यहाँ पे आधार नंबर आपसे मांगेगा, कैप्चर कोड मांगेगा, प्रोसेस के बटन पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो आइए मैं यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे एंटर कर देती हूँ। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे आधार नंबर एंटर कर दिया, कैप्चर कोड दे दिया, अब मैं यहाँ पे प्रोसेस के बटन पर क्लिक कर देती हूँ, ठीक है। तो दोस्तों सब कुछ आप लोग को सही सही देने के बाद अब आप लोग को यहाँ पे प्रोसेस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों आप लोग प्रोसेस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको पूरा आधार वेरिफिकेशन कंप्लीट देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब आपको सबसे पहले यहाँ पे चेक कर लेना है कि आपके आधार कार्ड में कौन सा मोबाइल नंबर लिंक है, ठीक है। दोस्तों अगर आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो आप लोग डिजिटल राशन कार्ड को डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। इसके लिए आपको आधार कार्ड में मोबाइल नंबर को लिंक कराना जरूरी है, ठीक है। तो अब आइए जानते हैं कि कैसे डाउनलोड करना है डिजिटल राशन कार्ड। तो सबसे पहले दोस्तों क्या करना है कि आप लोग को अपना जो भी आपका प्ले स्टोर है, आप अपना प्ले स्टोर को ओपन करेंगे, वहाँ पर सर्च बॉक्स में उमंग लिखिएगा, उमंग ऐप को अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद अब आपको इसको ओपन करना है, ठीक है। तो ओपन जैसे हम लोग करते हैं तो कुछ इस तरह करके हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब हमें यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करना है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले आपको रजिस्टर करना है, ठीक है। दोस्तों रजिस्टर करने के लिए आपको यहाँ पर रजिस्टर हेयर का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। अब आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर इंटर करना है, इस बॉक्स को सिलेक्ट करना है, रजिस्टर के ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद कुछ आगे का और कुछ प्रोसेस होगा, तो जो भी आपको यहाँ पे सब कुछ फिलअप कर देना है, उसके बाद आपका रजिस्टर कंप्लीट हो जाता है। अब आपको इस ऐप को लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए दोस्तों अब आपको मोबाइल नंबर यहाँ पे देना है, जो आपने एम पिन बनाया था उसको आपको यहाँ पे एंटर करना है। अगर दोस्तों आप लोग एम पिन बनाए और वो आपको याद नहीं है दोस्तों, तो यहाँ पे फॉरगेट एम पिन का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, आपको इसके ऊपर क्लिक करके आप लोग एम पिन को चेंज कर सकते हैं, या फिर आप लोग लॉगिन विद OTP के माध्यम से भी कर सकते हैं इस ऐप को लॉगिन, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे कुछ इस तरह करके इंटरफेस देख सकते हैं दोस्तों आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे दोस्तों आपको सभी प्रकार की सर्विस, आपको और सर्विस देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। अब दोस्तों आप लोग जैसे स्क्रॉल डाउन करते हैं, यहाँ पे दोस्तों आप लोग को देख सकते हैं नीचे में डॉक्यूमेंट का ऑप्शन देखने को मिला, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। गेट स्टार्ट के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे गेट स्टार्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं, अब आपको सबसे पहले यहाँ पे ID पासवर्ड को क्रिएट कर लेना है। उसके लिए आपको साइन अप के ऑप्शन पे क्लिक करना है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर इंटर करना है, और यहाँ पे उसके बाद आपके नंबर पे OTP आएगा, OTP आपको फिलअप कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर फुल नेम देना है, आपका जो नाम है, जन्मतिथि आपको यहाँ पर इंटर कर देना है, जो भी आपका जन्मतिथि है, अपना जेंडर सेलेक्ट कर लीजिएगा, मनपसंद जो भी आपका यूज़र नेम आप यहाँ पे कर सकते हैं, यहाँ पे एम पिन कर लीजिएगा, वही कॉन्फर्म एम पिन आपको फिर से यहाँ पे दोबारा कर देना है। यहाँ पे साइन अप के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। तो दोस्तों आपका यहाँ से ID पासवर्ड क्रिएट हो जाएगा। अब आपको लॉगिन करने के लिए दोस्तों अब आपको यहाँ पे 3 ऑप्शन देखने को मिलेगा, ठीक है। दोस्तों मैं यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर से लॉगिन करके दिखाती हूँ, ठीक है। तो आइए मैं यहाँ पे मोबाइल नंबर को एंटर कर देती हूँ, और उसके बाद जो मैंने एम पिन बनाया था उस एम पिन को यहाँ पे आपको एंटर कर देना है।
तो मैंने इस पर क्लिक किया। उसके बाद इस बॉक्स को सिलेक्ट कर देना है और यहाँ पे साइन इन के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपके सामने इस तरह करके इंटरफेस देखने को मिल जाएगी। अब आपको नीचे में एक अलाव का ऑप्शन देखने को मिलेगा, ठीक है। अलाव के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। अलाव के ऑप्शन पे जैसे आप लोग क्लिक कर दे दोस्तों, आपको ऊपर साइड में देखने को मिलेंगे सर्च डॉक्यूमेंट का ऑप्शन, ठीक है। तो आपको सर्च डॉक्यूमेंट ऑप्शन पे आपको क्लिक करके लिखना है राशन कार्ड, ठीक है। तो जैसे आप लोग राशन कार्ड लिखते हैं तो दोस्तों आपको यहाँ पे जितने भी स्टेट का राशन कार्ड है, सारे स्टेट का राशन कार्ड आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। आप जिस भी स्टेट के हैं, अपने स्टेट का वहाँ पर नाम भी लिखकर आपका स्टेट का, जैसे कि आप बिहार से हैं तो यहाँ पर लिखेंगे राशन कार्ड बिहार, तो दोस्तों आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद आप लोग उस पर क्लिक करके डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। तो जैसे कि मैंने किसी एक पर क्लिक किया यहाँ पे, उसके बाद मैंने यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करना है, राशन कार्ड जो नंबर है वो आपको सिलेक्ट करना है और यहाँ पे लिख देना है और बॉक्स को सिलेक्ट करना है। गेट डॉक्यूमेंट के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। तो आइए मैं गेट डॉक्यूमेंट के ऑप्शन पे क्लिक कर देती हूँ। जैसे मैंने इसके ऊपर क्लिक किया दोस्तों, तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं राशन कार्ड रिकॉर्ड ऐड सक्सेसफुली, मतलब डाउनलोड हो चुका है, ठीक है। ये है दोस्तों डिजिटल राशन कार्ड जो कि यहाँ पे आपको डाउनलोड, यानी यहाँ पे देखने को मिला डाउनलोड PDF। तो दोस्तों ये जो डिजिटल राशन कार्ड है यह एक PDF में डाउनलोड हो चुका है, ठीक है। अब दोस्तों आप लोग चाहते हैं कि दोबारा से डाउनलोड मतलब हुआ कैसे देखिए, तो यहाँ पे व्यू ऑल का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, इसके ऊपर आप लोग क्लिक करेंगे तो दोस्तों आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। और जो आपका मतलब जो आपका राशन कार्ड डाउनलोड हो चुका है वो आपको यहाँ पे राशन कार्ड और यहाँ पे वेरीफाई का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, यहाँ पे ग्रीन टिक का, आप इसके ऊपर जैसे क्लिक कर देंगे दोस्तों तो यहाँ पे आपका डाउनलोड जो हुआ है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों इसी प्रकार करके आप लोग को यहाँ पे डाउनलोड कर लेना है अपना डिजिटल राशन कार्ड। और दोस्तों मैंने आपको फर्स्ट में ही बताया है कि डिजिटल राशन कार्ड में दोस्तों एक बहुत ही बड़ी अपडेट आई है। तो दोस्तों वो अपडेट यह है कि अगर आपका किसी भी फैमिली का राशन कार्ड से आधार कार्ड लिंक नहीं है तो दोस्तों उसका नाम यहाँ से ऑटोमेटिक यहाँ से डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आपको क्या करना है, अगर आपके फैमिली के किसी भी राशन कार्ड से अगर आपका आधार कार्ड लिंक नहीं होगा तो दोस्तों वहाँ से आपका उसका नाम को डिलीट कर दिया जाएगा। यहाँ पे आपको खुद देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो दोस्तों यह जो डिजिटल राशन कार्ड है आप इसको कहीं पर भी इसको इस्तेमाल कर सकेंगे, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो दोस्तों आपको ये बात समझ में आ गया मैं आपको इस वीडियो में क्या समझाने वाली थी, क्या अपडेट था। तो दोस्तों आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है।